उस असभ्य सूतपुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। महादेव की सगंध जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। जब धनुष पे चढ़ता बाण तो लेता प्राण वो त्राही माम करा दे, लिमुख पे तेज स्वयं महादेव करण में आग लगा दे। हाँ सुन के नाम धनंजय अर्जुन काल भी भैसे कापे, निकले अकेला युद्ध में शत्रु सेना में हाहाकार मचा दे। भेद न जाने व्यू सारे हो सर्प गरुड़ या चक्कर व्यू, वो एक अकेला सेना खुद में भेद न पाए कोई अर्जुन व्यू। महाकाल भी जिसकी करते प्रशंसा सृष्टि में ऐसा पुरुष का दूजा, भेद ने गया आकाश में लक्ष्य लक्ष्य शिवाना कुछ सूझा। जब रण में आगे वीर बढ़े तब सब शत्रु भयभीत दिखे, गांडीव से निकले जब तीर तो रणभूमि बीची का उठे। पांचाल युद्ध हो या विराट या महाभारत कारण वो सजे जिस रणभूमि में रख दे कदम फिर युद्ध का वही परिणाम लिखे। महादेव की सौगंध यदि मैं चाहूं तो उस महारथियों और अतिरथियों से भरी विकारों सेना को अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से एक ही क्षण में नष्ट कर सकता हूं, किंतु मैं अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन्हें पराजित नहीं करना चाहता। मैं इतिहास को यह कहने का अवसर नहीं दूंगा कि यह युद्ध अर्जुन ने नहीं दिव्यास्त्रों ने जीता है। बाणों से उसकी अग्नि बरसे, बस्तंकार से बिजली गर्जे, श्वेत अश्वले चार वरत पे सवार तो यम्बी रास्ता बदले। पाशुपतास्त्रधारी जिसका सारथी स्वयं गिरधारी, हाफी रति महारथी अति महारथी सामने उसके लगे अनाड़ी। कुरुक्षेत्र में हुआ ऐसा वो मरा जो भी हो लड़ा खिलाफ, भूमि गगन ना कुछ छोड़ा जहाँ धनंजय नना किया विनाश। इंद्र बराबर लगे सिंहासन भारत वर्ष में बाजे डंका, ऐसा वीरों में वीर पितामह द्रोण कर्ण भी करे प्रशंसा। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य, मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय। मैं भी परशुराम शिष्य हूं अंगराज, और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य है। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। वायु गति से युद्ध करे और अर्जुन के जब तीर चले गांडी वसे तो ना वीर दिखे ना तीर दिखे। फिर वीर शूर वीर कोई भिड़े वो पल पल मृत्यु से ही डरे, वो कांपे थर थर सामने मंजर मंजर मृत्यु का ही दिखे। महादेव को भी जो कर दे प्रसन्न है भुजा में ऐसा बाहुबल, वो रूप से मोहित कर दे उर्वशी बुद्धि से भी चतुर चपल। हुआ ना जग में धन और दारी जो धनंजय को कर दे परास्त, वो शब्द भेदी साधे बाण ऐसे अंधकार में भी कर दे तखा खा आर पार कर बार बार। जब जब सुने युद्ध की ललकार और एक बार मिले आवाहन फिर तो होता नरसंहार। भारत पे संग ले नारायण ध्वजा पे बिठाए मारुति, धर्म की रक्षा की खातिर अपनों के प्राण की आहुति। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। है?